हे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। लास्ट के वीडियो में, इस मॉडल वाले पार्ट में, हमने कैन से लेकर मस्त तक के सारे यूजेस कवर किए। लेकिन बेटा, मुझे आप लोगों से ना एक शिकायत है, एक कंप्लेन है, और वो ये है कि आप वीडियो देखते तो ज़रूर हो, लेकिन आप नीचे फीडबैक नहीं देते हो। जैसे कि एक कंपनी को उसके प्रोडक्ट को बेटर बनाने के लिए फीडबैक की ज़रूरत होती है, वैसे ही मुझे अपने कंटेंट को और इम्प्रूव करने के लिए आपके फीडबैक की ज़रूरत होती है। तो बेटा, आप लोग ना फीडबैक दिया करो, जैसा आपको वीडियो लगता है, आप इन फ्यूचर और कौन से टॉपिक पर वीडियोस मुझसे चाहते हो ताकि मैं उसको और अच्छे तरीके से बना सकूँ, और किस तरीके से बनाया जाए वो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव माई बेस्ट, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पिछले वाले पार्ट से आज हम लोग एरर छांटना सीखेंगे, ठीक है। तो मैंने सेंटेंस क्या लिखा है कि करेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंसेस, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेंटेंसेस को बनाने से ज़्यादा बेटर है कि आप एरर डिटेक्शन करो, क्योंकि जब आप गलतियां ढूंढते हो और उसको करेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिक आपका माइंड ना उस चीज़ को पकड़ लेता है। तो पहला सेंटेंस अगर हम देखें, द फर्स्ट सेंटेंस इज वी मे क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। तो क्या आप बता सकते हो इस सेंटेंस में क्या एरर है? बताओ, सोचो और फिर बताओ मुझे। तो डेफिनेटली आपने सोच लिया, तो देखो मैं आपको एरर बताता हूँ। इस पूरे सेंटेंस में जो एरर है वो यहाँ पे है, मे। तो यहाँ पे जो मॉडल है वो गलत लगा हुआ है, यहाँ पे हम मे नहीं लगा सकते। तो बेटा जरा गौर से समझो कि यहाँ पे हम क्यों नहीं मे लगा सकते, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो हमको शो कर रहा है कैपेबिलिटी, ठीक है। क्या मुझे बताओ, ये कैपेबिलिटी के लिए हम मे का यूज़ करते हैं? नहीं ना, हम किसका यूज़ करेंगे? हम कैन का यूज़ करते हैं। अरे यही तो मैं बताना चाहता था आपको, कि जब आपको ये समझ में आ जाए कि इस सेंटेंस में कौन सा क्वालिटी शो हो रहा है, मीन्स कौन सा उसका भाव शो हो रहा है, वो आपको पता चल गया, तो आप इजीली मॉडल को सही तरीके से भर पाओगे। आ जाओ दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा है कि शुड यू लेंड मी योर स्कूटर प्लीज़, शुड यू लेंड मी योर स्कूटर प्लीज़। तो क्या हम किसी से अगर हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, तो बेटा यहाँ पे क्या शो हो रहा है? डेट इज़ पोलाइट रिक्वेस्ट। तो जब पोलाइट रिक्वेस्ट शो करते हैं तो क्या हमें वहाँ पे शुड लगाना चाहिए? जल्दी से बताओ मुझे। नहीं सर, हमें क्या लगाना चाहिए? हमें वुड लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि वुड सबसे ज़्यादा हमें पोलाइटनेस शो करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। She can pass if she work hard, ठीक है। She can pass if she work hard। तो बताओ बेटा, क्या ये सेंटेंस में कोई एरर है? गौर से सोचो, क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है? हाँ जी, इस सेंटेंस में भी एरर है, और वो ये है can। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को जरा गौर से देखो, ये सेंटेंस हमें कहीं ना कहीं हम पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आई एम नॉट कन्फर्म, अगर वो वर्क हार्ड नहीं करेगी तो पास नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन तभी लगाते हैं जब हम बिल्कुल श्योर हो, ठीक है। किस चीज़ के लिए अगर हम श्योर होते हैं तभी हम वहाँ पे कैन लगाते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ओके। दैट्स वाई वी विल यूज हेयर मे, द राइट मॉडल विल बी मे, ठीक है। नेक्स्ट, ही रेड द मैसेज बट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। तो क्या ये सेंटेंस में कोई एरर है? उसने मैसेज को पढ़ा, यहाँ पे ये V2 है, ध्यान रखना, पास्ट है। उसने मैसेज को पढ़ा लेकिन वो उस चीज़ को समझ नहीं पाया। तो बेटा मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ? पाया। तो जब एक सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में जा चुका होता है, रिपीट, जब एक सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में जा चुका होता है, वी डोंट यूज़ प्रेजेंट मॉडल। तब वहाँ पे हम प्रेजेंट मॉडल का यूज़ नहीं करते, वी यूज़ पास्ट मॉडल। अब एक बात बताओ, कैन का पास्ट क्या होता है? जल्दी से बताओ, कैन का पास्ट होता है हमारा कुड। तो ये हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? कुडंट, ठीक है। एक और मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, आप सभी मॉडल को अलग अलग लिख सकते हो नॉट के साथ। जैसे कि मैं बोलूँ मे नॉट, ठीक है, विल नॉट, शुड नॉट, ऐसे लिख सकते हो। लेकिन जब कैन नॉट की बारी आती है तो आप कैन अलग और नॉट अलग नहीं लिख सकते। यू कैन नॉट गिव अ स्पेस बिटवीन कैन एंड नॉट। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट कैन एंड नॉट टुगेदर। ये दोनों आपको साथ साथ लिखना है, आप इसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो द राइट मॉडल विल बी कुड नॉट। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस पास्ट में है तो आपको पास्ट का ही मॉडल यूज करना है। फिफ्थ वन है कि सोल्जर्स शुड ऑबे द ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चंस। यानी सोल्जर्स को
उनके ऑर्डर्स को एकदम ऑबे करना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं रूल्स की बात कर रहा हूँ, करना ही चाहिए। तो यहाँ पे हम शुड नहीं लगाएंगे बेटा, हम यहाँ पे लगाएंगे मस्ट। ठीक है, एनी हेजिटेशन सो फार? अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार बच्चे ना शुड एंड मस्ट में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ को क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखो, शुड एंड मस्ट में कन्फ्यूज़ होने वाली बात भी है, क्योंकि कई बार हम शुड लगाते हैं, कई बार हम उस जगह पे मस्ट भी लगाते हैं। तो मस्ट हम तभी लगाते हैं, आई रिपीट, मस्ट हम तभी लगाते हैं जब उस काम को अगर आप नहीं करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज यानी उसका जो रिजल्ट होगा वो कुछ बुरा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स या फिर द ट्रैफिक रूल्स। आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने ही चाहिए, अगर आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो आपको फाइन लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ यू शुड गो टू द डॉक्टर टुडे, आपको आज डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो अगर आप नहीं गए तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है, यू शुड स्पीक द ट्रूथ, आपको सच बोलना चाहिए, अगर आप नहीं बोलते हो तो आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन जिस जगह पे आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, यानी कोई काम करने के लिए बोला जा रहा है लेकिन अगर आप वो काम ना करो तो आपको बहुत बड़ा घाटा होने वाला है या फिर वो आपको ही हार्म करने वाला है, उस समय हम लगाते हैं मस्ट। दैट मीन्स जो कॉन्सिक्वेंस होने वाला है वो सही नहीं होगा, तब हम लगाएंगे मस्ट, अदरवाइज हम क्या करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। अब मान लो अगर सोल्जर्स ऑर्डर्स को ऑबे नहीं करेंगे तो भाई वो सोल्जर्स कैसे कहलाएंगे? ठीक है, समझ लो इस बात को, कुछ भी वहाँ पे हो सकता है। सेंस, ऊपर लेफ्टिनेंट ने कुछ और ऑर्डर दिया, सोल्जर्स ने उसको नहीं माना, कमांडर ने कुछ ऑर्डर दिया, वो सोल्जर्स ने नहीं माना, ऐसा होता है क्या? कभी आपने सुना है क्या कि सोल्जर्स अपने अपर ऑफिसियल की बात नहीं मानते? वो मानते ही हैं, उनको मानना पड़ता है, इट इज़ देयर ड्यूटी। ओके, सो व्हेनेवर देयर इज ड्यूटी वी यूज़ मस्ट। तो अब आओ हम लोग देखते हैं आगे, हमारा कुछ मॉडल्स बच गए थे और बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट अभी बचा हुआ है। उसके बाद इसी वीडियो के लास्ट में मैं कुछ आपको क्वेश्चंस देने वाला हूं, उस क्वेश्चन को आपको बनाना है, टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे और उन 5 क्वेश्चंस को बनाकर मुझे नीचे कमेंट करना है और इन सभी का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आप प्लीज़ कमेंट करो, अपना फीडबैक दो और सारे आंसर्स को लिखो और फिर जाकर मैच करो। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग उस पार्ट में। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पहला मॉडल जो होगा वो होगा वुड। ठीक है, अब देखो वुड का ना बहुत सारा यूज़ होता है और लिटरली अगर आप स्पोकन इंग्लिश की बात करोगे तो स्पोकन इंग्लिश में भी वुड का बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते, तो इसको ना काफ़ी अच्छे तरीके से समझना ताकि आप जब बना रहे हो और जब आप इंग्लिश बोल रहे हो तो दोनों में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो वुड का सबसे पहला यूज़ होता है टू शो द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ शैल एंड विल, यानी जब हमें शैल एंड विल का पास्ट टेंस फॉर्म यूज़ करना हो तो बेटा हम क्या यूज़ करेंगे, हम वहाँ पर यूज़ करेंगे वुड का। ठीक है, जैसे सबसे पहला एग्जांपल है हमारा, ही स्टेट दैट ही वुड नॉट कम हियर अगेन, तो ये तो हमारा नरेशन का क्वेश्चन है, तो सोचो नरेशन में क्या बोला जा सकता था कि आई विल नॉट कम हियर अगेन। तो विल के जगह पे हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, हमने यहाँ पे यूज़ किया वुड का। ठीक है, जहाँ पे हम विल लगा रहे थे वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, वुड का। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। आ जाओ नीचे, हम देखते हैं यहाँ पे कि आई डिसाइडेड दैट आई वुड टेक एक्सरसाइज एवरी डे। तो जब भी आप ऑलरेडी एक सेंटेंस को पास्ट में डाल रहे हो, ठीक है, और अब पास्ट में रहकर फ्यूचर की बात करो, डैट मीन्स कि आप अभी डिसाइड नहीं कर रहे हो, आपने ये चीज़ डिसाइड किया था या उसने कोई चीज़ कहा था, तो जो भी सेंटेंस ऑलरेडी आपका पास्ट में जा चुका है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे पास्ट मॉडल का। अब पास्ट मॉडल में आप क्या यूज़ करोगे, वुड। ठीक है, यानी पास्ट में रहकर फ्यूचर की बात कर रहे हो तो वहाँ पे आप वुड लगाओगे। सेकेंड यूज़ है हमारा टू शो पास्ट हैबिट, यानी जब भी आपको पास्ट की कोई हैबिट शो करनी हो तब आप क्या यूज़ करोगे, वहाँ पे वुड। अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था कि पास्ट हैबिट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यूज्ड टू का। तो बेटा जहाँ पे आप यूज्ड टू लगाते हो वहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, वहाँ पे आप वुड भी लगा सकते हो, नो इशू। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपको बार बार कोई पास्ट की हैबिट शो करनी हो तो पहला सेंटेंस आप यूज्ड टू से स्टार्ट करो, उसके बाद सारे सेंटेंसेस को वुड में बदल दो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन आई वॉज अ किड, जब मैं एक बच्चा था, आई वुड गो टू द टेम्पल एवरी डे। तो यहाँ पे वुड का मतलब क्या हुआ कि हमें पास्ट हैबिट बता रहा है कि जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मैं टेम्पल रोज़ जाता था, एक दिन की बात नहीं है, रोज़ जाता था। ही वुड नेवर कम लेट, वो कभी भी लेट नहीं आता था, ये पास्ट की बात है। माई ब्रदर वुड स्टैमर वेन ही वॉज इन क्लास सिक्स, तो जब मेरा भाई क्लास सिक्स में था उस समय वो क्या करता था, स्टैमर किया करता था। ठीक है, वो उसकी आदत थी। थर्ड यूज़ है हमारा हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, जो सच हो भी सकता है और नहीं भी।
ठीक है। जैसे कि इफ आई हैड मोर मनी, जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की बात करेंगे तो वहां पे हम कैसे यूज करेंगे, इफ आई हैड मोर मनी आई वुड हैव बॉट अ कार, अगर मेरे पास और पैसे होते ना तो मैं वो कार खरीदता। इससे पहले हमने सेम टाइप का सेंटेंस देखा था कुड में, तो कुड में क्या था, मैं खरीद सकता था और इसमें होगा खरीदता। तो आप कैसे यूज करोगे इसको, कैसे फाइंड आउट करोगे कि हमें उड ही लगाना है, तो जब भी आपके सेंटेंस में हैड प्लस वी थ्री ऑलरेडी लगा होगा इफ के साथ हैड प्लस वी थ्री लगा होगा, तो डेफिनेटली जो अगला वाला आपका सेंटेंस आएगा वो हमारा हो जाएगा उड हैव प्लस वी थ्री। तो एक सेंटेंस जैसे ही आपका हैड प्लस वी थ्री में गया, दूसरा सेंटेंस आपका वुड हैव प्लस वी थ्री में चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, हैड मोर मनी, ठीक है, अगर होता तो हम क्या करते हैं, कार खरीदते। नेक्स्ट, शी वुड गो टू द सिनेमा इफ शी वर अलाउड, अगर उसको अलाउ किया गया होता तो वो सिनेमा जाती। ऐसा हुआ नहीं और डेफिनेटली हम जाके उस कंडीशन को बदल भी नहीं सकते। अगर आप बात करते हो कंडीशनल सेंटेंसेस की, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस को और अच्छे से समझने के लिए मैं नीचे आपको एक लिंक दे रहा हूँ वीडियो का, वो जाकर आप जरूर देख लो, या फिर आई बटन में आपको यहाँ से मिल जाएगा। थर्ड है, इफ अ गोस्ट कम हियर ऑल वुड फ्ली अवे, अगर यहाँ पे एक भूत आ जाए तो सभी लोग भाग जाए। दिस इज नॉट अ रियल सिचुएशन, दिस इज कंडीशनल। तो यहाँ पे हम एक तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट, इफ यू हैड विजिटेड आगरा यू वुड हैव सीन द ताजमहल, अगर आप आगरा गए होते तो आप ताजमहल देखे होते। देखो, हैड प्लस वी थ्री, वुड हैव प्लस वी थ्री, तो आप आगरा गए भी नहीं, आपने ताजमहल देखा भी नहीं, ठीक है बेटा। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ यूज है हमारा, अच्छा ये उल्टा थोड़ा हो गया। फोर्थ यूज है हमारा टू शो अ पोलाइट रिक्वेस्ट, जब हम कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते किसी से तो वहां पे हम वुड का यूज करते हैं, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही बात करी थी। वुड यू प्लीज टेल मी द वे टू सेंट्रल मॉल, जब सामने वाले से आप क्या कर रहे हो, बहुत ही पोलाइटली पूछ रहे हो, तुम प्यार से पूछ रहे हो कि भैया प्लीज बता दो यार कि सेंट्रल मॉल किधर है, यानी समझ लो ना कि सामने वाले के सामने तुम पिघल जा रहे हो, एकदम पिघल जा रहे हो, पानी पानी हो जा रहे हो, पोलाइटली एकदम बात कर रहे हो। तो वहाँ पे जब भी आपको ना एकदम पोलाइटली बात करनी हो किसी से भी, तो आप क्या लगा दो, वहाँ पे उड लगा दो, वो बंदा पढ़ा लिखा होगा ना तो आपको मना नहीं करेगा। नेक्स्ट है, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे, हाँ बताइए क्या आपको पसंद है, तो ऐसे करके बोलोगे तो ये भी आपका वुड में आ जाएगा। नेक्स्ट, टू शो अ लो पॉसिबिलिटी, जब आप एक लो पॉसिबिलिटी को शो करते हो, जैसे कि आई थिंक शी वुड बी योर मदर, आई एम नॉट कन्फर्म, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, भीड़ भड़ाका में बहुत भीड़ है, वहाँ पे एक लेडी दिख रही है जो पीछे से लग रही है कि वो उसकी मॉम होगी ऐसे करके, तुम्हारी मॉम होगी ऐसे करके, तो वहाँ पे मैं ये सेंटेंस यूज करूँ, आई थिंक शी वुड बी योर मदर, सेंटेंस ऐसा होगा, एक्सप्रेशन भी ऐसा होगा, आई थिंक शी वुड बी योर मदर, है ना, मुझे लगता है कि वो तुम्हारी मॉम होगी, आई एम नॉट कन्फर्म। नेक्स्ट, ही वुड बी अ फार्मर, आप किसी इंसान को देखे हो कि वो थोड़े से गमछे वगैरह लगाया हुआ है, पगड़ी लगाया हुआ है, ऐसे नॉर्मल वाला वाइट वाला, तो आपको लगा कि वो शायद एक फार्मर होगा, लेकिन आप कंफर्म नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट, टू शो प्रेफरेंस और चॉइस, जब आपको प्रेफरेंस शो करना हो, कोई चॉइस शो करना हो, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, वहाँ पे आप यूज़ करोगे वुड, जैसे कि आई वुड रादर डाई देन बेग, मैं भीख मांगने के बजाय मर जाना पसंद करूँगा, ठीक है, डेट मीन्स ये मेरी चॉइस है, मेरी प्रेफरेंस है। He would sooner resign than working like a personal assistant. तो वो क्या बोल रहा है कि वो एक personal assistant के जैसा काम करने के बजाय resign कर देना पसंद करेगा, ठीक है। I would rather go than wait here. मैं यहाँ wait करने से अच्छा चला जाना पसंद करूँगा। तो जब भी आपको बोलना है कि मैं पसंद करूँगा कोई एक चीज़ से ज़्यादा दूसरे चीज़ को, तब आप वहाँ पे would rather या वुड सोनर का यूज़ कर सकते हो, या रादर देन का भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा, डेट इज़ हमारा आउट टू। आउट टू का यूज़ कहाँ करते हैं, सबसे पहला है हमारा टू शो मोरल ऑब्लीगेशंस और ड्यूटी। तो बोलोगे सर ये चीज़ तो हम बहुत देर से सुनते आ रहे हैं, हमने शुड में भी यही देखा, हमने मस्ट में भी यही देखा, अब आपने आउट टू में भी लगा दिया। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मोरल ऑब्लीगेशन और ड्यूटी की अगर मैं बात करूँ, तो आउट टू से ज़्यादा मोरल ऑब्लीगेशन या ड्यूटी आपका मस्ट शो करता है, तो मस्ट से तो ये कमी है, ठीक है, ध्यान रखना। वी आउट टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। वी आउट टू हेल्प दोज हु आर इन नीड, हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो
जरूरतमंद हो या फिर जो जिसे ज़रूरत हो। वन आउट टू सर्व वंस पेरेंट्स इन ओल्ड एज, यानी एक इंसान को उसके पेरेंट्स को ओल्ड एज में सपोर्ट करना चाहिए, सर्व करना चाहिए। मैंने सर्वर लिख दिया यहाँ पे होगा सर्व, ठीक है, SERV। नेक्स्ट सेकेंड यूज़ है हमारा टू सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। जब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी कैन के आसपास ये भटकता है, तो समझ जाओ आप यहाँ पे आउट टू लगा सकते हो। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आउट टू का यूज़ हम कभी भी पॉसिबिलिटी के लिए नहीं करते, इन जनरल इंग्लिश हम नहीं करते, समझ लो, ठीक है। जनरल इंग्लिश का हम यूज़ ही नहीं करते, बस अब समझ लो। जैसे ही आउट टू विन द रेस, वो रेस जीत सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ही कैन विन द रेस, सिंपल थिंग। द फिल्म आउट टू बी अ ग्रेट सक्सेस, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, द फिल्म कैन बी अ ग्रेट सक्सेस, ठीक है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तो हम आउट टू का यूज जनरली करते नहीं, लेकिन आप सीख लो ऐसा भी होता है। टू सो पास्ट ऑब्लिगेशन, अगर कोई पास्ट ऑब्लिगेशन हो तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वहाँ पे हम आउट टू के बाद हम हैव लगाकर V3 लगा देंगे। आउट टू का पास्ट फॉर्म तो नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हम हैव लगाकर V3 लगाएंगे। जैसे यू आउट टू हैव ऑबेड योर टीचर्स, तुम्हें अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए था, तुमने नहीं किया। ही आउट टू हैव वर्कड हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए था। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, डेट मीन्स कि पास्ट में कुछ होना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तब आप यूज़ करते हो आउट टू। नेक्स्ट मॉडल है हमारा यूज टू, ठीक है, आउट टू यूज टू, सुनने में थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है। तो देखो यूज टू का ना ज़्यादा यूज़ नहीं है, बहुत सिंपल यूज़ है। टू शो पास्ट हैबिट्स, जब भी आपको पास्ट का कोई हैबिट शो करना हो आप यूज टू लगा दोगे या फिर यूज नॉट टू लगाओगे। जैसे कि ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, वो सुबह सुबह टहला करता था, ठीक। पीपल यूज टू थिंक दैट द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, यानी पहले लोगों को लगता था कि सन जो है वो अर्थ के चारों ओर घूमती है, लेकिन ऐसा नहीं था, लेकिन ये पहले लगता था, विश्वास किया करते थे लोग। He used to be a notorious criminal of this area. कोई इंसान था, मान लो वो इस एरिया का एक notorious criminal था। अब यहाँ पे मैंने famous की जगह पे notorious क्यों लगाया, ठीक है, मैं popular क्यों नहीं लगाया, तो जो negative sense में लोग famous होते हैं उनके लिए हम notorious word का use करते हैं, हम famous word नहीं लगाते, ठीक है। सेकेंड है टू शो अ डिसकॉन्टिन्यूड हैबिट, यानी कोई भी हैबिट अगर डिसकॉन्टिन्यू हो गया, अब वो नहीं है पर उसके जगह पे कोई दूसरा हैबिट आ गया, तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे यूज टू। फॉर एग्जांपल ही यूज्ड टू वर्क इन अ स्कूल, वो एक स्कूल में काम किया करता था, नाउ ही वर्क्स इन अ कंपनी, लेकिन अब वो एक कंपनी में काम करता है, अब वो स्कूल में काम नहीं करता। ही यूज टू स्मोक सिगरेट्स, वो पहले सिगरेट स्मोकिंग करता था, नाउ ही स्मोक्स अ पाइप, अब वो हुक्का पीने लगा, वो पाइप का यूज़ करने लगा है, ठीक है। चलो एक और चीज़ आप यहाँ पे याद कर लो, दैट इज़ देर इज़ नो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ यूज टू। यूज टू का कोई प्रेजेंट फॉर्म नहीं होता, आप सोच रहे हो कि यूज टू पास्ट फॉर्म है, पास्ट हैबिट को शो करने के लिए यूज़ करते हैं, तो हम प्रेजेंट में यूज टू या यूजेस टू लगा दें, बट इट विल बी रॉन्ग, ऐसा नहीं होगा। इफ़ यू वॉन्ट टू शो द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ एनी हैबिट, यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, एकदम सिंपली। अगर आपको बोलना है मैं खाया करता हूँ तो आप लिखोगे आई ईट, मैं टेम्पल जाया करता हूँ आई गो टू टेम्पल, वेरी सिंपल। इसके साथ साथ मैं आपको एक एक्स्ट्रा बोनस टिप आपको देकर जाता हूँ कि यूज टू का यूज़ हम एज एन एडजेक्टिव भी करते हैं, वो यहाँ पे हम नहीं सीखेंगे। जैसे कि जब हम इसका यूज़ एज एन एडजेक्टिव करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज टू, अब इसके आगे हम क्या यूज़ करेंगे, इसके आगे हम यूज़ करेंगे इज, एम, आर, वॉज या वर, ठीक है। तो यूज टू प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे कोई V4 का यूज़ करेंगे, ठीक है, कोई नाउन का यूज़ करेंगे या कोई प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो इस जगह पे यूज टू एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, इसका मतलब होगा हैबिचुएटेड या एकस्टम्ड, आदि हो जाना कोई चीज़ का। जैसे कि मुझे तुम्हारी लत लग गई है, मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है, तो क्या बोलोगे, आई एम यूज टू यू, ठीक है। अगर आपको बोलना है कि मुझे इस जगह में काम करने की आदत हो गई है या फिर मुझे इस नॉइजी कंडीशन में काम करने की आदत हो गई है, तो आप क्या बोलोगे, आई एम यूज्ड टू वर्किंग इन सच नॉइजी conditions, ठीक है। तो जब भी आपको आदत सो करना वहाँ पे यू करोगे, ठीक है। आई होप कि मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, अगर होगा ऐसा तो मैं नीचे आपको लिंक भी दे दूंगा, आप उसके डिटेल यूज़ देख सकते हो कि यूज़ टू का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नीड एंड डेयर, तो नीड एंड डेयर को सबसे पहली बात किनको हम सेमी मॉडल्स कहते हैं, क्योंकि ये मेन वर्ब के जैसा और हेल्पिंग वर्ब के जैसा दोनों के जैसा यूज़ होता है। अब कैसे, मैं आपको नीचे समझाता हूँ। देखो, क्या आपने कभी सुना है कि मेन वर्ब में हम कभी नॉट लगाते हैं, जैसे कि अगर आपको बोलना है मैं पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, आई रीड अ बुक,
लेकिन क्या आपने ऐसा कभी बोला है कि मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ तो आई रीड नॉट अ बुक? नहीं ना, आप वहाँ पे क्या यूज़ करते हो? आई डोंट रीड अ बुक। तो इन द सिमिलर वे कभी भी हम नीड एंड डेयर के साथ अगर नॉट का यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होगा, ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब होगा। लेकिन जहाँ हम नीड एंड डेयर का यूज़ सेंटेंस में अकेले कर रहे हों या फिर वो किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब या फिर किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा हो तो समझ जाना वो एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ऑलरेडी डोंट वर्ड यूज़ हो चुका है। तो एक सेंटेंस में जब दो या दो से ज़्यादा वर्ब्स काम करते हैं तो जो सबसे लास्ट वाला वर्ब होता है वो आपका मेन वर्ब होता है। तो इस सेंटेंस में हमारे पास दो वर्ब हैं, एक है डोंट, दूसरा है नीड। तो दोनों में सबसे लास्ट वाला वर्ब कौन सा है? डेट इज़ नीड। तो नीड हमारा मेन वर्ब है और डोंट हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो इस जगह पे नीड हमारा क्या है भैया? मेन वर्ब। समझ गए? आ जाओ नीचे वाले सेंटेंस में, यू नीड नॉट कम हेयर, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट नीड के बाद नॉट लगा दिया। तो अभी मैंने क्या बोला कि जब हम नीड एंड डेयर के बाद नॉट लगा सकते हैं तब वो ऑक्सिलरी वर्ब कैसा काम करता है? तब वो हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। तो यहाँ पे नीड बेटा किस कैसा काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट, आई डोंट डेयर टू अपोज माई फादर। तो यहाँ पे देखो डोंट लगा हुआ है, उसके बाद डेयर यूज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? एज अ मेन वर्ब। आई डेयर नॉट अपोज माई फादर। अब आप ही बता दो, डेयर नॉट लग गया है तो यहाँ पे ये डेयर किस कैसा काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। समझ गए मेरी बात को? चलो आगे चलते हैं। वेन नीड एंड डेयर आर यूज एज मेन वर्ब्स दे टेक इन्फिनिटिव, यानी 2+V1 विद देम। बट वेन नीड एंड डेयर आर यूज एज हेल्पिंग वर्ब्स दे टेक बेयर इन्फिनिटिव विद देम। यानी नॉर्मली जब वो एज अ मॉडल यूज होते हैं तब वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? सिंपल V1 यूज करेंगे। लेकिन जब वो मेन वर्ब के ऐसा काम करते हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? 2+V1। आओ इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देखते हैं। ये देखो मैंने स्ट्रक्चर दे दिया है, सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज़ करेंगे जब मेन वर्ब कैसा हम इन दोनों का यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ भी हमने 2+V1 का यूज़ किया बेटा, और यहाँ पे भी हमने 2+V1 का यूज़ किया। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब कैसा काम करेगा तब देखो यहाँ भी V1 आया है और यहाँ भी V1 आया है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को आप गौर से देख लो, हम नीचे कुछ यूजेस पढ़ते हैं। तो नीड एंड डेयर के कुछ यूजेस होते हैं। नीड का यूज़ कुछ होता है जैसे कि आपको अगर नेसेसिटी शो करना हो, जरूरत है ना, या कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट शो करनी हो या ना हो, तो उस जगह पर हम नेसेसिटी के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए हम नीड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही नीड्स टू गो देयर। अब आप ही बताओ कि यहाँ पे नीड जो है वो है किसके ऐसा यूज़ हुआ है? एज अ मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? तो बेटा हम तुरंत हमारा ध्यान आना चाहिए कि 2+V1 लगा हुआ है इसके बाद। तो 2+V1 लगा हुआ है तो कभी वो हेल्पिंग वर्ब नहीं बन सकता, डैट मीन्स कि वो एज अ मेन वर्ब वहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे नीड क्या हो गया भाई? मेन वर्ब। मैं साइड में लिख देता हूँ, got it? आगे, देयर आर अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स इन द हाउस टूडे। आज घर में बहुत सारा वेजिटेबल है, सो यू नीड नॉट बाई एनी, इसीलिए आपको और खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास वो चीज़ है। तो इस जगह पे भी हमने नीड का यूज किया, लेकिन देखो कि हमने इसको किस तरीके से यूज किया। यहाँ पे हमने नीड के बाद डायरेक्ट नॉट लगा दिया, नीडंट। तो जैसे ही हमने नीड के बाद डायरेक्ट नॉट लगा दिया, ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी मॉडल कैसा काम कर रहा है। दे नीड टू डू देयर होमवर्क, उन्हें होमवर्क करने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखो नीड के बाद 2+V1 आया है, ऑब्वियस सी बात है कि 2+V1 आया तो क्या होगा? मेन वर्ब। मुझे लग रहा है आप सभी को समझ में आ रहा है। चलो वेरी गुड, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। आई नीड नॉट टेक हिज परमिशन टू गो देयर, मुझे उसके परमिशन की जरूरत नहीं है उस जगह पे जाने के लिए, ठीक है। तो देखो नीड के बाद यहाँ पे हमने नॉट लगाया, डैट मीन्स कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। और इस तरह हमारे साथ और बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं लेकिन वो उसे वीडियो देखकर चले जाते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको सब्सक्राइब भी कर लो, इससे आपका कोई नुकसान तो होगा नहीं, आपका एक रुपया भी नहीं लगेगा, पर हमें मोटिवेशन जरूर मिलता है ताकि हम ऐसे कॉन्टेंट और बनाते रहें। नेक्स्ट, देयर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? ताकि हम कहीं पे भी साहस दिखा सकें कि साहस है या साहस नहीं है, तो वहाँ पे हम देयर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 2+V1 रहा तो मेन वर्ब, अगर डायरेक्ट हमने नॉट लगा दिया या फिर उसके बाद डायरेक्ट V1 आ रहा है तो वहाँ पे हम मेन वर्ब नहीं, वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करते हैं। शी डेयर नॉट टॉक टू मी। देखो डेयर के बाद हमने डायरेक्ट नॉट लगाया, डेट मीन्स इट इज़ ऑक्सिलरी वर्ब। आई डोंट डेयर टू आस्क फॉर द परमिशन, तो यहाँ पे आई डोंट डेयर लगा रहे हैं, डेट मीन्स डोंट के बाद डेयर आ रहा है, ऐसे भी 2+V1 लगाना है हमें तो हम लगाएंगे यहाँ पे इज इट मेन वर्ब। आगे चलते हैं,
डज सी डेयर टू कम हियर? क्या उसकी यहाँ साहस है यहाँ पे आने की? क्या उसकी यहाँ पे आने की साहस है? ऐसा मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे? देखो डज का यूज़ किया मैंने डायरेक्ट, तो हम क्या यूज़ करेंगे? टू प्लस भी वन और ये हो जाएगा मेन वर्ब। लास्ट ही डेयर नॉट गो देयर, ठीक है, ही डेयर नॉट गो देयर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ऑक्सिलरी वर्ब। क्यों बेटा? क्योंकि डेयर के बाद हमने डायरेक्ट नॉट लगाया। अगर मुझे बोलना है उसे वहाँ जाने की साहस है तो हम क्या बोलेंगे? ही डेयर्स टू गो देयर। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं डेली यूज की मैं बात कर रहा हूँ, डेली यूजेस की बात करूँ, तो बेटा डेली यूजेस में नीड एंड डेयर को एज अ मॉडल हम कभी यूज नहीं करते। हाँ, इट इज़ द हार्श रियलिटी। हम हर जगह पे नीड एंड डेयर के बाद, नीड या डेयर के बाद हम टू प्लस वी वन का ही यूज़ करते हैं। ये आप दिमाग में रख लो। अगर मैं डेली लाइफ की बात करूँ, डेली यूजेस की बात करूँ, डेली यूजेस में कभी भी नीड एंड डेयर आपका कहीं पे आप उठा के देख लो एज अ मॉडल यूज़ नहीं होता है बेटा, वो आपका एज मेन वर्ब यूज़ होता है। यानी इन डेली लैंग्वेजेस नीड एंड देयर आर नो मोर मॉडल्स। गॉट इट? अब इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, सेंटेंसेस दे रहा हूँ जो आपको बनाने हैं और नीचे कमेंट करने हैं। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे स्टूडेंट्स टू वॉच दिस वीडियो। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, आप प्लीज़ नीचे कमेंट करो और कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो बाय बाय।